नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी साहब और बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता अमजद खान साहब का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इनकी जोड़ी तो याद ही होगा, जो 70 और 80 के दशक में कई ऐसे हिट गीत दिए हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो आज हम लोग मोहम्मद रफ़ी साहब और अमजद खान साहब के शानदार जोड़ी की शानदार गीतों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमजद खान साहब के लिए पहली बार सन 1977 में आई फिल्म जमानत, और गीत के बोल हैं मुझको कसम है साकिया तेरे सबाब की, और इस गीत को बहुत ही अपनी बेहतरीन आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार सोनिक ओमी साहब ने दिया था और लिरिक्स राज कवि इंदर राज जी ने दिया। और इस गीत के हिट होने के बाद फिर क्या था, अमजद खान साहब के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने और ऐसे कई फिल्में हैं जिनमें अपनी आवाज़ दी। आप लोगों को 1979 की फिल्म दिन और ईमान याद ही होगा, और गीत के बोल हैं झुकते हैं लोग काबा ये आथर के सामने, काबे ने सर झुकाया है उस दर के सामने। जी हाँ, गीत के बोल हैं कमली वाले का रोजा निगाहों में है। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमजद खान साहब के लिए ही अपनी आवाज़ दिया था, और इस फिल्म का संगीत श्याम जी घनश्याम जी ने दिया और लिरिक्स अंजुम जयपुरी साहब ने दिया। वाले का राजा निगाहों में और है। इस फिल्म के बाद सन 1979 में ही आई फिल्म लाखन, और गीत के बोल हैं भक्तों की लाज बचाई ओ मेरे कृष्ण कन्हाई, और इस गीत को भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमजद खान साहब के लिए ही अपनी आवाज़ दिया था, और इस फिल्म का संगीत भी सोनिक ओमी साहब ने दिया था और लिरिक्स वर्मा मलिक साहब ने दिया। तो की लाज बचाई ओ मेरे कृष्ण कन्हाई। और इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमजद खान साहब के लिए दो गीत गाए थे। दूसरा है गांव में रहता था एक ग्वाला, इस गीत को भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमजद खान साहब के लिए ही गाया था। और इस फिल्म के बाद सन 1981 में आई फिल्म हमसे बढ़कर कौन, और इस फिल्म का गीत तो आप लोगों ने सुने ही होंगे जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। गीत के बोल हैं देवा हो देवा गणपति देवा, ये गीत आज भी गणेश चतुर्थी में बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है, और इस गीत को बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमजद खान साहब के लिए गाया था, और इस फिल्म का संगीत राम लक्ष्मण साहब ने दिया और लिरिक्स रविंदर रावल साहब ने दिया। और इस फिल्म के बाद सन 1982 में आई फिल्म तकदीर का बादशाह, और गीत के बोल हैं सोना चांदी हीरा मोती ना पैसा रुपया, और इस गीत को भी बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमजद खान साहब के लिए अपनी आवाज़ दिया था, और इस फिल्म का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार बप्पी लहरी साहब ने दिया और लिरिक्स अनजान साहब ने दिया था। ना चांदी हीरा मोती ना पैसा रुपया। और इस फिल्म के बाद सन 1981 में आई फिल्म याराना, और गीत के बोल हैं ऐसा तराना झूम के गाऊं संग संग दुनिया झूमे, और इस गीत को बहुत ही अपनी बेहतरीन आवाज़ में अमजद खान साहब के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दिया, और इस फिल्म का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार राजेश रोशन साहब ने दिया है और लिरिक्स अनजान साहब ने दिया था। और इस फिल्म के बाद सन 1982 में आई फिल्म सम्राट, और गीत के बोल हैं आंखों का सलाम लो हाथों में शाम लो, और इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब लता मंगेशकर जी और मनाडे जी की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी, और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था और लिरिक्स आनंद बख्शी साहब ने दिया था। और इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमजद खान साहब के लिए गाया जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया, और ये फिल्म मोहम्मद रफ़ी साहब और अमजद खान साहब की जोड़ी की आखिरी फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, भले ही कम फिल्मों में इनकी जोड़ी ने काम किए हैं लेकिन जितने भी गीत दिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए और दर्शकों ने खूब पसंद किए। तो दोस्तों, आप लोगों को मोहम्मद रफ़ी साहब और अमजद खान साहब की जो जोड़ी है वो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कल था अमजद खान साहब का जन्मदिन,
तो हम लोगों की तरफ से अमजद खान साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और आप जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।